आज पूरा विश्व या यूँ कहें कि पूरी कायनात एक ऐसे वायरस से लड़ रही है जिसने हर तरफ तबाही मचा रखी है। वहीं शर्म से आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि इस वायरस से लड़ाई में हम बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया में कोरोना के आक्रमणों के मामलों में सबसे ऊपर आकर संपूर्ण विश्व के सिरमौर बन गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम कोरोना के मामले में विश्व में प्रथम हो गए? हमारे नागरिक इलाज के साधनों के अभाव में लगातार दम तोड़ रहे हैं और हम सब बेबस होकर देख रहे हैं। अगर हम आत्मचिंतन करें तो पाएंगे कि इसके लिए यूं तो भारत का हर नागरिक जिम्मेदार है, फिर भी इन्हीं नागरिकों ने कुछ विशिष्ट लोगों को अपना केयर टेकर बनाने के लिए सत्ता सौंपी, इसीलिए सरकारों की जिम्मेदारी अधिक बनती है, जिसको निभाने में ये सरकारें लगभग पूरी तरह से फेल हो गई हैं। कारण चाहे बंगाल चुनाव में दांव पर लगी झूठी प्रतिष्ठा हो, या कुंभ को न रोक पाने का साहस, या कुछ और। खैर, इनमें मोटे तौर पर सभी राजनेता, राजनीतिक पार्टियां, ब्यूरोक्रेट, बिके हुए न्यूज चैनल और लगभग सारी सरकारी मशीनरी शामिल है। ये सब मिलकर आम आदमी की बात तो छोड़िए, विशिष्ट लोगों की जान बचाने में भी असफल रहे हैं। हालांकि हमेशा की तरह सत्तारूढ़ केंद्र सरकार हो या कोई राज्य सरकार, अपनी अपनी लीपापोती कर अपने कर्तव्य निर्वहन किए जाने का ढोंग कर रहे हैं। फिर भी मेरा मानना है कि इस समय पूरे सिस्टम को अपने इस जघन्य अपराध, लापरवाही और अदूरदर्शिता को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए और देश के हर नागरिक से क्षमा याचना करनी चाहिए। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विकराल स्थिति से निपटने के लिए संज्ञान लेने में विलंब किया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे बड़े पदों पर बैठे लोगों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम है सारी सरकारी मशीन को जो तत्परता दिखाकर नागरिकों की जान बचानी थी उसमें वे सब बुरी तरह फेल हुए हैं। हालांकि जो लोग इसकी चपेट में आकर अपने प्राण गंवा चुके हैं, उनके लिए अब कुछ भी करना संभव नहीं है, सिवाय उनके लिए सच्चे या झूठे आंसू बहाना। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी सभी सरकारी तंत्र को एकजुट होकर देश के हर नागरिक से माफ़ी मांगकर इस स्थिति को सुधारने के लिए जी जान से लग जाना चाहिए, अन्यथा भारत का एक भी नागरिक इन्हें दंडित किए बिना नहीं रहेगा। इसलिए आप सिर्फ सरकारों के भरोसे न रहें, अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाएं, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जय हिंद।